हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब हॉस्टल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब हॉस्टल, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से। तो यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन इन्वाइटेड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अटैच्ड हेयर विद फॉर द फॉलोइंग टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन। तो यहाँ पे जो भी पोजिशंस है वो टेम्परेरी पोजिशंस आपकी रहेंगी, और यहाँ पे जो है आपको पूरा डिटेल दे रखा है कि नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, किस कैटेगरी में क्या पोस्ट है, और जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे क्लियरली मैंसन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, RA3 के लिए यहाँ 40,000 प्लस HRA है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो ही मैंसन कर रखा है। इसकी स्टडीज ऑन पोलियो नॉन पोलियो एंट्रोवायरस इन्फेक्शन पेशेंट्स विद इम्यूनोडेफिशिएंसी एट मल्टीपल मेडिकल इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की निकाली गई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की निकाली गई है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन और 3 प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलरी जो है वो वेरी कर रही है, हर पोस्ट के लिए अलग सैलरी है, और साथ ही साथ जो रिजर्व कैटेगरी है वो भी यहाँ पे क्लियरली जो है मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर RA3 के लिए अप्लाई कर रहे तो आपका PhD या MD या MS या MDS होना चाहिए इक्विवेलेंट डिग्री में, या आपका 3 ईयर्स का जो रिसर्च टीचिंग एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका डिजायरेबल में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए सेलुलर और मॉलिकुलर इम्यूनोलॉजी में या लिम्फोसाइट बायोलॉजी में। तो इस वे में जो अगर आप इन सब के आपको इसकी टेक्निक्स पता है तो आपको यहाँ पे जरूर प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। तो इस वे में आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ जो है आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और आपकी यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप इन सब एलिजिबिलिटीज़ को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन कुछ देख रखिए, तो अप्लाई करने से पहले आप इस टर्म्स एंड कंडीशन ही पढ़ लीजिएगा। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो बढ़ सकती है या घट भी सकती है, तो डिपेंड करता है वो इंस्टीट्यूट के ऊपर। और जो आपका आपका यहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो आपका टेम्प्रेरी बेस पे रहेगा, आप कोई भी परमानेंट पोस्ट के लिए जो है किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका जो भी अपॉइंटमेंट रहेगा वो टेम्प्रेरी रहेगा, और जितना अमाउंट उन्होंने मेंशन कर रखा है सैलरी का, वही अमाउंट जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो छुट्टियाँ मिलेंगी वो एज पर द ICMR रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।